नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में विजयपुर से रामनिवास रावत को हार क्या मिली, दिल्ली तक मध्य प्रदेश के नेताओं की दौड़ लगना शुरू हो चुकी है। अभी रावत का इस्तीफा स्वीकार भी नहीं हुआ और दिल्ली तक लॉबिंग शुरू हो चुकी है। सूत्र बता रहे हैं कि दो पूर्व वन मंत्री और कुछ विधायक पार्टी के बड़े नेताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं। 20 से ज्यादा सीनियर विधायक तो इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद उन्हें मंत्री पद मिल जाए। यहाँ एक अनार 100 बीमार वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। आपको बता दें कि अभी सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदेश में हैं, ऐसे में रावत का इस्तीफा अभी पेंडिंग है। हालांकि इस्तीफा स्वीकार करने के सिवाय कोई दूसरा चारा है भी नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है और मंत्री बने रहने के लिए दोनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। थोड़ा टाइमलाइन पर गौर करें तो रावत जब कांग्रेसी विधायक थे तब 8 जुलाई को मोहन कैबिनेट में मंत्री बने, फिर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, उपचुनाव में गए और हार गए। उनके चक्कर में बीजेपी ने नागर सिंह चौहान से वन मंत्री का पद छीना और रावत को दिया। इससे नागर सिंह चौहान नाराज हुए, वो अलग। सूत्र तो बताते हैं कि नागर सिंह चौहान अब अपना विभाग वापस पाने की जुगाड़ लगा रहे हैं। इस सिलसिले में नागर सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात कर चुके हैं, हालांकि वो अभी अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय कार्य लोक परिसंपत्ति प्रबंधन मंत्री कुंवर विजय शाह ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। शाह की यादव से मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रदेश प्रभारी थे। भोपाल से लेकर दिल्ली तक भूपेंद्र यादव प्रभावशाली नेता हैं। ऐसे में दोनों के बीच हुई मुलाकात को वन मंत्रालय की रस्साकस्सी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सूत्रों की माने तो संपत्तिया उइके वन मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं, क्योंकि एक तो आदिवासी चेहरा है, ऊपर से महिला, यानी एक तीर से दो निशाने लगाने की तैयारी में बीजेपी हो सकती है। लेकिन सब कुछ फिलहाल कयासों पर चल रहा है। जैसे ही मोहन यादव विदेश से लौटेंगे, लौटने के बाद वन मंत्री का पद पाने की जो रस्साकसी चल रही है वो और तेज होती दिखाई दे सकती है, क्योंकि हाल वही है, एक अनार 100 बीमार। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।